Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English learning series के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हैं। मैं होप के लेक्चर नंबर 8 के पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो सेंटेंसेस सिखाए गए हैं जरूर आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि वो सेंटेंसेस ना सिर्फ ये कि क्लासरूम में यूज हो सकते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो तो ऑफकोर्स उनको उसके अंदर यूज कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 9, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल उस्मान अकबर कंपोज स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, अपनी सजेशन कॉमेंट बॉक्स के अंदर दें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई improve more slowly. आज का जो हमारा लेक्चर है ये इजाजत लेने या देने के मुतल्लिक है। हमें डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऑफ कोर्स जब हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं हम इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने सीख लिए, उसके बाद हमने उनको आगे आहिस्ता आहिस्ता यूज करना है। उनमें से कुछ सेंटेंसेस हम आज लर्न करने जा रहे हैं। हम किसी महफिल में हैं, हम किसी रूम के अंदर बैठे हैं, एक से ज़्यादा लोग हों, दो से ज़्यादा लोग हों, तो हमें गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट करनी होती है। इजाज़त तलब कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, हम आज कोशिश करेंगे कि उनकी जो है वो उनको लर्न करें और उनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला सेंटेंस है, आप किसी जगह जाते हैं रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं या सीनियर्स वो आपसे बड़े हैं, या आप क्लासरूम में एंट्री चाहते हैं यू आर स्टूडेंट आपके टीचर वहां सामने मौजूद हैं, या आप किसी महफिल में वैसे एंटर होना चाहें तो उसके लिए आपको इजाजत तलब करनी है। सो आप क्या कहेंगे, मे आई कम, या आप कह सकते हैं मे आई कम इन। अब अगर ये इजाजत आपने अपने टीचर से तलब करनी हो सो यू कैन ऐड मे आई कम इन सर, और टीचर जो है वो अगर मेल है तो सर, और अगर मैडम या फीमेल है तो मैडम, मे आई कम इन मैडम। अब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत पड़ गई, आपने रिक्वेस्ट करनी है, आपने इजाजत तलब करनी है, तो कैसे होगा, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। तीन चार दोस्त बैठे हैं, नॉर्मली रूटीन में क्या होता है कि हम कभी कभी उनसे कहते हैं यार मुझे जाने दो, यार मुझे जाने दो, मैंने किसी जगह काम जाना है, मुझे वहां जाके किसी को मिलना है। ये अगर रिक्वेस्ट पुट करनी है, इजाजत तलब करेंगे तो कैसे करेंगे, मे आई गो, मे I go, या you can say let me go, let me go। और for example आपने किसी दूसरे के लिए इस चीज की रिक्वेस्ट पुट करनी है, इजाजत करनी, तो आप क्या कहेंगे, let him go, आपने से बड़े को सीनियर को दोस्त को कहेंगे यार वो आपसे जाने की इजाजत चाह रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, so what you can say for him, let him go, हम मी की जगह पे him कर देंगे अगर ये लड़का है, और अगर ये लड़की है तो what we can say, let her go। एक से ज्यादा लोग हैं, let us go, let them go, उनको जाने दो। नेक्स्ट इज मे आई ज्वाइन यू, तीन चार छह लोग बैठे काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप स्टडी भी हो सकती है, इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो अगर आपने उनके साथ शामिल होना है तो आप कैसे कहेंगे, मे आई ज्वाइन यू। ये ना सिर्फ स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर सकते हैं, तीन चार लोगों का ग्रुप है, वो डेली वॉक करता है, डेली रनिंग करता है, कुछ और काम करता है, तो आप उनसे इजाजत तलब करना चाहेंगे, then you can request them, you can ask them, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, may I join you। Next is we should start, we should
हमें काम शुरू करना चाहिए और लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं, आओ शुरू करें, लेट्स बिगिन। आपको किसी से लिफ्ट चाहिए कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए या किसी और सवारी की, और यू कैन रिक्वेस्ट और यू कैन टेक द परमिशन, विल यू प्लीज गिव मी लिफ्ट इन योर कार। अब यहां सवारी जो है वो चेंज हो सकती है, कार, बस, बाइक एक्सेट्रा, जो भी सवारी होगी आप उसके हिसाब से यहां इसको पुट करेंगे। विल यू प्लीज गिव मी लिफ्ट इन योर कार। आपने किसी से बाइक लेनी है, हाउ यू कैन आस्क हिम, मे आई टेक योर बाइक, मे आई टेक योर बाइसाइकिल, या कोई भी दूसरी चीज जो आपने उसे लेंड करनी है, उधार लेनी है, तो आप उसको इस बाइक की जगह पे यहां पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने से बराबर एज वाले बंदे को रिक्वेस्ट करनी है, कहना यार मैंने तुम्हारा फोन लेना है, कॉल करने के लिए, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। लेकिन अगर आपसे बड़ा है, बड़ा भाई, फादर, एनीवन हु इज एल्डर देन यू, अब आपने उनका फोन लेना है, तो आप उनको कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे परमिशन लेंगे, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, कैन आई डिस्टर्ब यू, कैन आई डिस्टर्ब यू। यहां पर जो डिस्टर्ब का वर्ड यूज हुआ है वो तकलीफ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसको तंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए है अपने टीचर से, अपने बड़े से, अपने सीनियर से, अपने किसी दोस्त से, तो आपको ये रिक्वेस्ट पुट कर रहे हैं कि मैं थोड़ी सी आपको तकलीफ देना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ सीखना है, मैंने थोड़ा सा आपसे टाइम लेना है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मे आई हैव योर टाइम प्लीज, क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन आई डिस्टर्ब यू, मे आई गो टू वॉच अ मूवी टुडे, मे आई गो टू वॉच अ मूवी टुडे। सो आप यहां मूवी के अलावा किसी मैच का जिक्र कर सकते हैं, ड्रामा का जिक्र कर सकते हैं, कोई स्टेज प्ले हो सकता है, ओपन थिएटर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए। यू मे लीव नाउ, अब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, आपको यह कहा जाता है कि तुम यहां से चले जाओ। सो इट कैन बी यू, इट कैन बी ही, और एनी अदर नाउन और प्रोनाउन, आप इस जगह पे नाउन भी ला सकते हैं, यू आर अ सीनियर इन द क्लास, यू आर द टीचर, यू आर सम मेंटोर, और एनीवन एल्स, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। आप एक बंदे को जाने की इजाजत दे रहे हैं, और ये डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हो सकता है। किसी से एंग्री हो गए लेकिन वो आपके पास आया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे माफ कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, आप थोड़ी देर के लिए उसकी बात नहीं सुना जाते, तो आप उसको पोलाइटली बोल सकते हैं, यू मे लीव नाउ, तुम फिलहाल जाओ, अभी तुम जाओ, इट कैन बी यू, इट कैन बी ही, इट कैन बी एनी नाउ एटसेट्रा। अपने ट्रेवल कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, यू नीड रेस्ट, मे वी रेस्ट फॉर अ व्हाइल, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी मे रेस्ट फॉर अ व्हाइल, इसके अंदर क्वेश्चन भी होगा और एक इजाजत तलब करने का क्वेश्चन भी मौजूद है। मे आई ओपन द डोर, मे आई ओपन द डोर, इट कैन बी मे आई ओपन द विंडो, एनीथिंग एल्स, मे आई क्लोज द डोर, मे आई क्लोज द डोर, और कैन बी मे आई क्लोज द विंडो। Here is a sentence which can be managed in the blanks. छोड़ दिया है। अब आप can I use your? यहाँ टॉगल भी हो सकता है, यहाँ मोबाइल फोन भी हो सकता है, बाइसाइकिल भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, मोटरबाइक भी हो सकता है, और एनीथिंग एल्स जो आप किसी दूसरे से लेंड करना चाह रहे हैं, थोड़ी देर यूज करना चाह रहे हैं, सो यू कैन पुट दैट वेरी वर्ड ओवर हियर। सो तो वो ये सेंटेंस उसके लिए फिट इन बन जाएगा। या आप यहां पर मे आई यूज योर टॉवल, पेन, बुक, एनीथिंग एल्स, वो यहां पर यूज कर सकते हैं।
That's all for today. I hope के हमने काफी सारी पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो कि लर्न की होंगे इंशाल्लाह. ये आपका होमवर्क भी है और इसके साथ साथ आप इसको डिफरेंट अदर सेंटेंसेस के लिए भी यूज करें प्लीज. और अपना फीडबैक, अपनी आउटपुट हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें. मैं इंतजार करूंगा इंशाल्लाह और आपकी सजेशन भी जो होंगी इंशाल्लाह. एक रिक्वेस्ट है, अपना अपने अड़ोस पड़ोस का सबका ख्याल रखें. दुआएं करवाने की बजाय दुआएं लेने वाले आमाल करें. अल्लाह आप सबका मेरा आमीन नासिर हो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.